Good afternoon, everyone. Today we will cover the IELTS writing task 2. So for today our topic is, many countries spend money to train the individuals to participate in the international supporting events. Some people say that money should be spent on public development instead. So हमारी first side जो है वो क्या है कि काफी countries पैसे स्पेंड करते हैं इंडिविजुअल्स को ट्रेन करने के लिए सो दैट कि वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गई या आईपीएल्स हो गए और वी कैन से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मनी है, ये जो पैसा स्पेंड किया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स की बजाय पब्लिक डेवलपमेंट में स्पेंड होना चाहिए। पब्लिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, उसमें स्पेंडिंग होनी चाहिए। वी विल रीरीड द क्वेश्चन वंस अगेन। मेनी कंट्रीज स्पेंड मनी टू ट्रेन द इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। काफी कंट्रीज पैसे स्पेंड करते हैं इंडिविजुअल्स को ट्रेन करने के लिए सो दैट वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो यही पैसा है वो उस पर स्पेंडिंग करने की बजाय, स्पोर्टिंग इवेंट्स पे स्पेंडिंग करने की बजाय अगर पब्लिक डेवलपमेंट स्पेंड हो तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। डू यू अग्री और डिसअग्री? आप इस बात से सहमत हो या नहीं, अग्री हो या डिसअग्री हो? मेक श्योर जो भी आपने ओपिनियन देना अपना अग्री या डिसअग्री का, वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं देना, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देना है। मतलब आपको ये बताना है कि पैसा पब्लिक डेवलपमेंट में स्पेंडिंग होनी चाहिए या फिर अगर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में स्पेंडिंग हो रही है तो वो चीज़ कम्प्लीटली ओके है। सो हमारा टॉपिक जो है वो वन साइडेड है, तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है, देन बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन। मेक श्योर इंट्रोडक्शन में हमने वही चीज देनी है कि कंट्रीज जो है, स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को ही हमने रीफ्रेस करके लिखना है। एज द टॉपिक इज वन साइडेड, सो बॉडी पैराग्राफ में अगर हम लोग अग्री में जा रहे हैं तो सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में भी अग्री में जाएंगे, एंड इन केस अगर हमने डिसअग्री साइड चूज की है तो हमारा बॉडी पैराग्राफ सेकेंड जो है वो भी डिसअग्री रहेगा। तो इंट्रोडक्शन है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मेनी कंट्रीज स्पेंड मनी टू ट्रेन द इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। इन मेनी कंट्रीज और इन सेवरल कंट्रीज अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स और ऑन इंस्ट्रक्टिंग इंडिविजुअल्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। इट हैज बीन कंसिडर्ड बाय सम पीपल दैट दिस मनी should be utilized for the other sectors such as education and health sector. उसके बाद फिर आप बताओगे कि आप agree करते हो या disagree करते हो। For example, you can say, I agree that this money should be spent on the other sectors rather than spending on sporting events. और अगर आप disagree करते हो तो फिर आप ये बोलोगे, I disagree that this money should be spent on the sporting events because sports have and or this money should be spent on public development services because sports are equally important for the country. So make sure humne is cheez ko pehle acche se explain karna hai. Then afterwards hamara jo ideas hain wo kya aayenge isme, agar hum log agreement mein jaate hain, yani ki agar hum log ye believe karte hain ki jo money hai wo public development mein agree hai karte hain कि अगर उसमें स्पेंडिंग होनी चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर पैसा उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स में, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पे एडिशनल बर्डन पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर पे। दूसरी चीज़ ये कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे एडिशनल बर्डन पड़ता है, ऑब्वियसली बात है जितने ज़्यादा सेक्टर्स होंगे, एक तो उनको पहले एजुकेशन सेक्टर में भी करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरा उनको हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तीसरा अगर उनको इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने को मिलती है या अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम और इट विल पुट एन एडिशनल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द डिवेलपिंग और अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज है जब वो स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या जब वो उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी जो पीपल हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज उनके पास इनफ फंड्स नहीं रह जाते।
दूसरी चीज, उनके ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, इनको पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन केस अगर हम लोग डिसएग्री में जाते हैं, तो डिसएग्री में हमारा पॉइंट क्या आएगा, डिसएग्री में हम लोग ये बोलेंगे कि नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज टू ट्रेन द इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। अगर हम लोग ये कहते हैं कि उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे इट एग्जिबिट द टैलेंट ऑफ द कंट्री एट एन इंटरनेशनल इवेंट। एक इंटरनेशनल इवेंट में जो टैलेंट है कंट्री का, वो सामने आता है। एग्जिबिट का मतलब होता है इट शोज द टैलेंट ऑफ द कंट्री एट एन इंटरनेशनल इवेंट। द सेकेंड थिंग इज ऑनर एंड प्रेस्टीज। अ कंट्री गेट्स ऑनर एंड प्रेस्टीज, मतलब उनको सम्मान मिलता है। ओलंपिक, जैसे ओलंपिक गेम्स होती है, ओलंपिक गेम्स में जब इंडियन प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो नेम और फेम ओनली प्लेयर्स को नहीं मिलता, इनफैक्ट कंट्री को भी मिलता है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, इन 2011 व्हेन इंडिया वन द वर्ल्ड कप, प्लेयर्स गॉट फेमस, प्लेयर्स तो फेमस हुए थे, बट अलॉन्ग विद दैट द कंट्री ऑल्सो गॉट पॉपुलैरिटी। सो वी कैन से इट इंक्रीजेस द नेम एंड फेम ऑफ द कंट्री। दिस इज फॉर टुडे सेक्शन। मेक श्योर 4 पैराग्राफ्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। एंड यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स। 250 से आप 270 में जा सकते हो, 280 में जा सकते हो, बट मेक श्योर टू नॉट राइट मोर देन दैट। 2 पैराग्राफ्स हैं, एक पैराग्राफ में आप अग्री का एक पॉइंट एक्सप्लेन करो, दूसरे पैराग्राफ में आप अग्री का दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करो इफ यू आर टेकिंग द अग्री साइड। और अगर डिसअग्री साइड ले रही हो, द सेम थिंग, बॉडी पैराग्राफ 1 में डिसअग्री का पॉइंट, बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसअग्री का पॉइंट। कंक्लूजन वन साइडेड ही होना चाहिए। अगर हम लोग इंट्रो भी वन साइडेड लिख रहे हैं, कंक्लूजन भी टू साइडेड लिख रहे हैं, सॉरी कंक्लूजन भी वन साइडेड ही लिखना है। एक चीज और याद रखनी है, अग्री और डिसअग्री में 100 और 0 की रेशो जाती है, 70-30 की रेशो हमने नहीं रखनी। वाई? बिकॉज अवर क्वेश्चन इज अग्री और डिसअग्री, नॉट अग्री एंड डिसअग्री। सो गाइज, मेक श्योर रिगार्डिंग दैट, इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल। एंड फॉर मोर अपडेट्स, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। आई होप यू ऑल लाइक इट।